नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। अगर आप पेटीएम का उपयोग करते हैं तो अब हो जाएं सावधान। रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई में पेटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले दो साइबर अपराधी को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि काराकाट थाना अंतर्गत 16/6/2023 को मुकेश कुमार पिता ललन प्रसाद ग्राम बुढ़वल थाना काराकाट जिला रोहतास के गुड़ारी बाजार स्थित दुकान से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 48,200 रुपये का सामग्री क्रय किया गया, जिसका भुगतान पे फोन के द्वारा पेटीएम पर किया गया था। भुगतान करने के उपरांत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 48,000 रुपये का पेटीएम से धोखाधड़ी कर लिया गया था। इस संबंध में वादी के लिखित आवेदन के आधार पर काराकाट थाना में दिनांक 15/7/2023 को लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस के द्वारा धारा 420 भारतीय दंड विधान एवं 66 IT Act दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक रोहतास द्वारा इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया तथा उक्त घटना में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए थाना अध्यक्ष काराकाट थाना एवं रोहतास साइबर थाना के पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर एक विशेष टीम का गठन किया गया। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। गठित विशेष टीम द्वारा जगह जगह लगातार छापेमारी किया जा रहा था, लेकिन रोहतास पुलिस की गिरफ्तारी के भय से अपराध कर्मी भागे फिर रहे थे। इसी क्रम में विशेष टीम को गुप्त सूचना मिली कि उक्त घटना में संलिप्त एक अपराधकर्मी बघेला थाना क्षेत्र के चनकी गांव में एवं एक अपराधकर्मी सासाराम नगर थाना क्षेत्र के गौलक्षणी में छुपे हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन छापामारी के दौरान उक्त कांड में संलिप्त अपराधकर्मी पवन कुमार पिता निरंजन सिंह ग्राम चनकी थाना बघेला, दूसरा राहुल कुमार पिता अभय चौधरी ग्राम डुमरा थाना नोखा दोनों जिला रोहतास को पेटीएम द्वारा धोखाधड़ी कर खरीदी की गई फ्रिज कूलर पंखा एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त कांड में अपराध कर्मियों के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है। ये अभी तक का हम लोगों के जो रोहतास जिले के अनुभव में ये पहला कांड है इस तरह का। काराकाट थाना में कांड दर्ज हुआ था 2823, ये फर्जीवाड़ा और IT Act में दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति मुकेश कुमार जी हैं काराकाट के, ये इनका कहना था कि इनकी दुकान में 48,000 रुपये की खरीदारी की गई व्यक्ति के द्वारा और बाद में बिना इनकी मर्जी के वो पैसा उसको फिर से रिफंड चला गया। हम लोगों ने कांड दर्ज किया था। इस संबंध में जो हमारे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी, उनके द्वारा इस कांड में अनुसंधान करते हुए CCMU से मदद ली गई। हम लोगों ने पेटीएम कंपनी से भी इसमें नोटिस देकर जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी के आधार पर हम लोगों ने इस केस को जो डिटेक्ट किया तो अब तक ये समझ में आया कि दो गिरफ्तारी अब तक हुई है और एक अभियुक्त जो है अभी फरार चल रहा है। हम लोग अभियुक्त को अभी आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, फिर उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस कांड के पीछे की जो साजिश है और जो इसका गिरोह है उसका पूर्ण तरीके से उद्भेदन हो सके। इसके अभी तक जो पूछताछ में समझ में आया है कि जो व्यक्ति है जो अभी अरेस्ट हुआ है पवन और एक राहुल है, तो पवन जो है ये काम करता था दिल्ली में। दिल्ली में ये पेटीएम कंपनी का जो फील्ड एजेंट चले हुए हैं कि मर्चेंट जो दुकानदार होते हैं उनमें ऐप को इंस्टॉल कराते हैं, उनको कमीशन मिलता है। वहाँ काम करने के दौरान इसको जानकारी मिली कि पेटीएम कंपनी का जो ऐप होता है उसमें एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसने अभी इंस्टॉल कराया, तो कस्टमर जो दुकान पर बैठा हुआ है आता है दुकान पर, तो कई बार मालिक को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे स्टाफ के द्वारा क्या ट्रांजेक्शन किया गया। तो एडमिन राइट्स एक से ज़्यादा लोगों के पास हो सकते हैं। इसका इसने फ़ायदा उठाया। ये क्या करता था कि दुकानों पर ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमता था कि हम आपको, आप दुकान करते हैं, आपका हम जो QR कोड वाला हम आपका पेटीएम आपको इंस्टॉल करा देते हैं। वहाँ पर ये क्या करता था कि अपने आप को एडमिन में जोड़ लेता था और इसका एक सहयोगी है, उसका नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि फरार चल रहा है, वो क्या करता था उस ऐप का क्लोन बनाया हुआ था, स्कैनर उसके भी पास होता था। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन किया, कोई कस्टमर आता है, उसने पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ जेनुइन दिख रहा है, जो कस्टमर टर्न अप हो रहा है दुकान पर जो आ रहा है उसकी मिली भगत रहती थी इन दोनों के साथ में। उसने दुकानदारी की, खरीदारी की, उसने पेमेंट किया,
पेमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करते थे, वहाँ से रिफंड इनिशिएट कर लेते थे, क्योंकि ये एडमिन के रूप में हिडन होता था। और इसके बाद में, क्योंकि जब कोई ऐप से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, ऐप थोड़ी देर के लिए उस पैसे को रखता है, नॉर्मली 24 घंटे का उसका एक पीरियड होता है उसका, तो उसी का फ़ायदा उठाकर ये क्या करते थे, उसको रिडायरेक्ट कर लेते थे, रिडायरेक्ट करके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पैसा फिर वापस चला जाता था, और फिर उस पैसे को ये लोग मिलकर बांट लेते थे। हम लोगों ने इसमें रिकवरी भी की है, जिन लोगों ने कन्फेस किया स्वीकृति बयान में बताया है, हम लोगों ने अब तक एक फ्रिज को रिकवर किया है, एक कूलर को रिकवर किया, दो पंखा रिकवर हुआ, दो मोबाइल रिकवर हुआ, इनके भी मोबाइल को हम लोग रिकवर किए हैं, इसको हम लोग फॉरेंसिक जाँच के लिए आगे भेज रहे हैं, और एक पेटीएम कंपनी से भी हम लोग संपर्क में लगातार बने हुए हैं, हम लोग पेटीएम कंपनी की भी सहायता लेना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का फ्रॉड कैसे मुमकिन हो रहा था और इस फ्रॉड पे आखिर कैसे लगाम लगाई जाए। पैसा भी रिकवर हुआ है सर? पैसा की रिकवरी की स्थिति जो है अभी तक जो है खर्च कर दिया गया था, सामान अभी बरामद हुआ है, और अभी हम लोग चूँकि पेटीएम से हम लोग को मदद मिलने पर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि उनका जो बेसिकली क्लोन ऐप है उस अकाउंट में कितने पैसे हैं ये हम लोग को पता लग जाएगा। उनको लगता है कि दो तीन दिनों में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, हम लोग न्यायालय से भी इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं ताकि हम लोग। कितने लोगों के साथ सर ऐसा? अभी तक देखिए, अभी तक कुल मिला के 6 लोग अब तक सामने आ चुके हैं उस इलाके के, जिनका कहना है कि उनके साथ डायरेक्टली हुआ, उन्होंने बाई फेस पहचाना भी कि यही व्यक्ति था, और अभी तक ये जानकारी नहीं कि कुल कितने लोग इनके द्वारा जो धोखेदारी इनके द्वारा की गई है। सर आम यूजरों के साथ भी ऐसा होता है क्या जी? आम यूजरों के साथ होता है कल दुकानदारों के साथ? ये मर्चेंट ऐप की बात है, ये बेसिकली दुकान में जो यूज कर रहे हैं लोग पेटीएम का कस्टमर से पेमेंट के लिए, इंडिविजुअल ऐप की बात अभी तक सामने नहीं है। सर कहाँ कहाँ हुआ है ये? आपको विक्रमगंज एरिया से ही सामने आया है अब तक, वही लोग हैं, तो काराकाट बाजार के हैं, फिर गुड़ाड़ी के हैं, जो वर्तमान में कंप्लेनेंट है वो बुडवल के रहने वाले हैं काराकाट के, इनका दुकान है यहाँ पर गुड़ाड़ी में, इनका मार्केट में दुकान। कुछ आपराधिक इतिहास अभी तक तो जानकारी नहीं मिल पाई है हम लोग, चूँकि आपराधिक इतिहास जानने के लिए हम लोगों को अन्य जिलों से भी पत्राचार करना होता है, तो ये भी हम लोग जो अनुसंधानकरण में पता मिली, जो सम्मिलित पुलिस प्रशासन है उसको सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा। इस केस में हमारे सीसीएम में प्रभारी सब इंस्पेक्टर माधुरी कुमारी, हमारे जो अनुसंधानकर्ता हैं सब इंस्पेक्टर नेहा को, इन दोनों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। साथ ही हमारे साथ जो साइबर थाना में हमारे जो सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं शंभू कुमार, उनके द्वारा भी इसमें काफ़ी मदद दिया गया है, और प्रोफेशनल जो डीएसपी हैं अपने आदिल, उनके द्वारा भी रात भर रेट में काफ़ी नेतृत्व का परिचय दिया गया है। तो हम लोग सभी को सम्मानित करेंगे और मुख्यालय को भी लिखेंगे इस संबंध में, चूंकि एक तरह का यूनिक केस है, तो आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, हम लोग उनसे भी संपर्क में बने हुए हैं ताकि उनके माध्यम से भी संबंधित कंपनी से हम लोग तकनीकी सहयोग ले सकें। धन्यवाद। एवं इनके द्वारा बताया गया कि हर दुकानदारों का पेटीएम इंस्टॉल कर अन्य व्यक्तियों को भेज कर सामान क्रय करने एवं राशि भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से कराकर भुगतान किए गए रुपयों को धोखाधड़ी से रिफंड करवा लेते थे। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है तथा पुलिस के द्वारा अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है। नमस्कार, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली खबर आपके पास आसानी से मिल जाए। जय हिंद।